सुश्री दत्ता मामले के बाद में अब तमाम महिलाओं ने अपने खिलाफ हुए यौन शोषण पर खुलकर आवाज उठानी शुरू कर दी है। नाना पाटेकर, कैलाश के विकास बहल पर लगे यौन शोषण और हिंसा के आरोपों के बाद में अब राइटर और फिल्म मेकर विंता नंदा ने आलोक नाथ के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया है। जी हाँ, विंटा नंदा ने एक लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट के जरिए पूरे मामले को खुलकर पब्लिक में सामने रखा। विंटा के मुताबिक आलोक नाथ ने उनके साथ में यौन शोषण किया जब वो साल 1994 के मशहूर शो तारा के लिए काम कर रही थी। इसके बाद आलोक नाथ का इस पर बयान भी सामने आ गया है। आलोक नाथ का कहना है कि आज के जमाने में अगर कोई महिला किसी पुरुष पर आरोप लगाती है तो पुरुष का इस पर कुछ भी कहना मायने नहीं रखता, समय आने पर सही बातें सामने आ जाएंगी। फिलहाल मैं इस बात को बचाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, बाद में इस पर कोई भी कॉमेंट करूंगा। आलोक नाथ कौन है ये तो आप सभी जानते हैं, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर हैं। बॉलीवुड में पिता के किरदार में काफी फेमस हमेशा से रहे हैं। कई बॉलीवुड ऐसी कई फिल्में रही हैं जिनमें संस्कारी बाबू के नाम से इनकी इमेज बनी। तारा जैसे सीरियल में लीड रोल में भी उन्हें देखा गया था और इसी तारा की शूटिंग के दौरान उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है।